जो पुलिस वालों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि मैं नशे में था या मैं दारू पिए वाला था, तो मैंने मेरा घाटी में जो है सारा मेमो करवा लिया है। मेरी डिमांड है कि उनका भी मेमो करवाया जाए, और साथ में वहाँ पे प्रोजोन के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसके अंदर सारी चीज़ें कैद हैं, किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं, वो उसके अंदर बताए कि एक्चुअल में कल्प्रिट कौन है करके। इसमें कल राहुल खाड़े सर ने हमें कहा था कि हम आधे घंटे के अंदर जो है आपको सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करवा देंगे। कल शाम को ये 5:30-5 के दरमियान बोला था, जबकि आज 3:30 बज गए, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज आया नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी फोटोकॉपीज मेरे पास है, मेरे सभी पत्रकार भाइयों के पास है। मैं आपके द्वारा यही एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी सीसीटीवी फुटेज में आता है, और उनका एक तो मेडिकल चेकअप करवाइए, क्या वो नशे में थे, या वापस मेरा करवाइए। एक मिनट, पुलिस ने जब एनसी नहीं लिया तो उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस ने जब एनसी नहीं लिया उसके बाद हम राहुल खाड़े सर के पास गए, उन्हें सारी डिटेल बताई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। फिर आज सुबह हम वापस आए, कलेक्टर ऑफिस में गए, कलेक्टर ऑफिस साहब को निवेदन दिया, कलेक्टर साहब को, वहाँ से हम लोग सीपी ऑफिस आए हैं, यहाँ पे भी निवेदन दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में चौकशी होगी। अगर यहाँ पे इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम सब लोग लोकशाही मार्ग से साखड़ी उपोषण पे बैठेंगे। 31 दिसंबर को रात में 9 बजे पत्रकार सैयद नासिर के ऊपर 3 पुलिस वालों ने हमला किया था। उस उपलक्ष में 1 जनवरी को हम लोगों ने जो है पत्रकार सेवा संघ के तरफ से चिकल थाना MIDC पुलिस स्टेशन में एक निवेदन दिया था कि खाती पुलिस वालों के ऊपर जो दो कार्रवाई की जाए। वहाँ से हमें न्याय नहीं मिला। हम थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी साहब के पास गए, वहाँ पर जो तो हमने निवेदन दे के तीनों पुलिस वालों के ऊपर जो तो कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद अभी जो है तो औरंगाबाद शहर के सभी पत्रकार बंधु पुलिस आयुक्त साहब के पास जो है तो आकर इनको भी एक निवेदन दिया कि उन 3 पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने सैयद नासिर नामी पत्रकार को किसी भी कारण की वजह से कोई कारण ना होते हुए उन्हें मारा है और बहुत बेदर्दी से मारा, पुलिस कमिश्नर साहब ने जो है तो हम सभी लोगों को आश्वासन दिया कि उन 3 लोगों के ऊपर जो है तो बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें सजा तक के 31 डिसेंबर रोजी आमचे पत्रकार सैफ सय्यद हे प्रोजोन मॉल या ठिकाणी न्यूज कवर करण्यासाठी गेले असता त्या ठिकाणी ड्यूटी बजावणारे 3 पुलिस कर्मचारी, MIDC पोलीस स्टेशनचे 3 पुलिस कर्मचारी यांनी काही कारण नसताना आमच्या पत्रकाराला शिवीगाळ करीत मारहाण केली व मारहाण करून त्यांना धमकी देण्यात आली की 353 तुमच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करू अशी यावेळी धमकी दिली आणि त्यांना हाताला आणि डोक्याला पायाला मार लागलेला आहे, मारहाण केली आणि त्यांना आयकार ओळखपत्र घेऊन हिसकवून त्यांना त्या ठिकाणी हुसकावून लावलं। नंतर रितसर आम्ही पूर्ण पत्रकार पोलीस स्टेशन या ठिकाणी एक तक्रार देण्यासाठी गेलो असता त्यांनी आमचे पोलीस स्टेशनच्या कोणत्याच कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी आमची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली आणि मेडिकल मेमो जो दिलेला होता मेडिकल मेमोनुसार साधी NC तरी दाखल करून घेणं पोलीस कर्मचाऱ्याचं हे काम होतं, पण त्यांनी ते सुद्धा दाखल केलं नाही आणि याची सविस्तर तक्रार आता आम्ही शहराचे जे CP आहे पोलीस कमिशनर आहे यांच्याकडे दिली आहे आणि यांनी आम्हाला आज आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही रीत सर आणि त्यांच्यावर जी कारवाई होणार चौकशी करून त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करणार। मी महिला पत्रकार आहे, इथे आमचे सैफ सय्यद सर आहेत, तर एक पत्रकार म्हटला तर तो चौथा स्तंभ आहे आणि पोलीसवाले जरी म्हटले तरी हे एक रक्षा करणारे पाहिजे, पण हे आमची रक्षा न करता आम्ही लोकांच्या मध्ये जाऊन त्यांच्या जे होणारे हल्ले आहे काही असलं तर आम्ही पुढाकार घेतो, पण आज जो आमच्यावर हल्ला होत आहे एक पोलीस प्रशासन याच्याकडे कानाडोळा करत आहे। जर आज आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आंदोलन करू।